हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रस में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ठंडी ठंडी मैंगो शेक। गर्मियों का मौसम है, कुछ शील्ड ड्रिंक्स पीने का मन करता है, तो इस समय फ्रूट्स में मैंगो बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। और घर पे लाइए और इनसे बनाइए टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक। यहाँ पर देखिए, मीठे वाले आम लेने हैं जो येलो कलर के होते हैं, जिनमें रेसे नहीं होते हैं। उनका छिलका उतार के हमने गुद्दा निकाल लिया है और गुठलियों को हटा दिया है। फुल क्रीम दूध लिया है मलाई के साथ। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे इलायची और नारियल का बुरादा लिया है। चीनी ली है 5 से 6 चम्मच, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मीठा जितना करना हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। फ्लेवर के लिए इसमें मैंने इलायची डाला है। इलायची यहाँ पर डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मार्केट जैसा कुछ फ्लेवर लाना चाहते हैं तो उसमें इलायची डालिएगा, अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो यहाँ पर चील वाटर ले लिया है, ज़रूरत के हिसाब से हमने यूज़ करना है। तो पहले हमें इसमें डाल देना है मैंगो का ये जो हमने फल निकाला है गुद्दा। उसके बाद एक मिक्सर जार लेना है जो कि बड़ा हो, क्योंकि सब चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। तो यहाँ देखिए, फुल क्रीम हमने दूध लिया है मलाई के साथ 1 ग्लास। तो पूरा दूध डालने के बाद इसे हमें डालना है चीनी। तो यहाँ पे मैंने करीब 4 से 5 चम्मच चीनी ली है, उसे हम डाल देंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची डालेंगे। इलायची पूरी तरह से ऑप्शनल है, पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो उसे छोड़ सकते हैं। इसके साथ आप बादाम को भी पीस सकते हैं, लेकिन मार्केट में बस इसी तरह बनाया जाता है। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, कुछ सेकंड लगते हैं, 10 से 20 सेकंड के अंदर ये अच्छे से ग्राइंड होकर एक पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर इसको पिक कर लिए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह से दिख रहा है। तो देखिए, बिल्कुल थिक हो गया है इस तरह से। तो आप यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े डाल सकते हैं इसमें, और ये देखिए कितना थिक है। लेकिन इतना थिक हमें नहीं चाहिए, आप इसे इतना थिक चाहते हैं तो इतना थिक सर्व कर लीजिए, नहीं तो आप इसे पतला कर सकते हैं। तो मैंने उसी ग्लास से, जिस ग्लास से दूध लिया था उसी ग्लास से मैंने आधी ग्लास यहाँ करीब पानी डाल लिया है। अब इसे फिर से हम शेक कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसे शेक कर लिया है। तो ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। आप इसमें दूध की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, पानी के बगैर आप चिल्ड दूध भी डाल सकते हैं। अब इसे हम एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही हमें इसे सर्व करना है, बच्चे हो चाहे बड़े, हर कोई बहुत चाव से पियेंगे, इतना ये टेस्टी लगता है मैंगो शेक। आप किसी भी फेस्टिवल, जैसे मतलब व्रत हैं तब आप बना सकते हैं, बाहर से आ रहे हैं कुछ ठंडा पीने का मन है, तो इस तरह से आप इसे शेक बनाइए और पीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। बाहर तो ये बहुत महंगे महंगे ग्लास मिलते हैं, घर पे आप कुछ ही चीज़ों से बना सकते हो, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो ड्राई फ्रूट सब, ये सब ऑप्शनल है, आपको पसंद है डालिएगा, जो आपके पास है उसे डालिएगा। तो मैंने ऊपर से डाल दी है किशमिश, आप इसमें चेरी डाल सकते हो जो कलरफुल आती हैं, और यहाँ पर आप कोई भी काजू बादाम भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, ऊपर से आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। ये आम के फल के कुछ पीसेस को बारीक कट करके डालेंगे, देखने में और साथ में इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से गार्निशिंग बिल्कुल मार्केट जैसे हमें करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने मैंगो शेक को गार्निशिंग कर ली है और बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहा है। यहाँ पर 1 चम्मच डाल लीजिए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा मैंगो शेक कुछ ही मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो मात्र इसमें 2 मिनट लगता है फ्रेंड, मैंगो शेक घर पे आप बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए, पीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3री ग्लास भी इसे सर्व कर लिया है, अभी आधी ग्लास करीब मेरा जार में है। मतलब इतने मैंगो में हमने यहाँ पर इतने सारा बना लिया है शेक, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। अगर पतला होता तो जो ऊपर गार्निशिंग की है अंदर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।